Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बॉलीवुड में जब भी सितारों की लाइफस्टाइल की बातें होती हैं तो उनसे जुड़ी बहुत सी बातें सामने आती हैं। जैसे फिल्मों में आने से पहले वे क्या करते थे, उनका परिवार कौन है, वे कहां के रहने वाले हैं और कहीं उन्होंने अपना नाम बाकी सितारों की तरह बदल तो नहीं लिया। फिल्म इंडस्ट्री की ये बात दिलचस्प होती है कि जब उनका नाम फिल्म मेकर्स को पसंद नहीं आता तो वे उसे बदलवा देते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बॉलीवुड के तीन स्तंभ कहे जाने वाले शाहरुख, सलमान और आमिर खान के साथ। ये तीनों एक ही उम्र के हैं, तीनों खान हैं और तीनों का नाम ये पूरा नहीं है। बॉलीवुड के तीन खान जिनकी फिल्मों का इंतजार फिल्म इंडस्ट्री के अलावा उनके फैंस भी करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सलमान खान को सल्लू भाईजान दबंग खान भी कहा जाता है, वैसे ही शाहरुख को किंग ऑफ रोमांस और आमिर को मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन इनके असली नाम ये नहीं है। इन तीनों खान का पूरा नाम सुनकर आपको भी हो जाएगी हैरानी। चलिए बताते हैं आपको क्या है इनके असली नाम। रोमांस के किंग शाहरुख खान का जन्म 2 नवंबर 1965 को दिल्ली में हुआ था। इनके पिता फिल्म स्टूडियो में एक कैंटीन चलाते थे और शाहरुख अपने पिता की मदद के लिए जाया करते थे। इनका पूरा नाम मोहम्मद शाहरुख खान है। इन्होंने बॉलीवुड को दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, दीवाना, डर, बाजीगर, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, देवदास और चेन्नई एक्सप्रेस जैसी रोमांटिक और ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। दबंग सलमान खान का जन्म 27 दिसंबर 1965 को इंदौर में हुआ था। इनके पिता मशहूर राइटर सलीम खान है और इन्होंने बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की कहानी लिखी है। सलमान का असली नाम अब्दुल राशिद सलीम सलमान खान है। इन्होंने मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, जुड़वा, दबंग, टाइगर जिंदा है और सुल्तान जैसी 100 करोड़ी फिल्में दी हैं। 14 मार्च 1965 को जन्मे आमिर खान का असली नाम मोहम्मद आमिर हुसैन खान है। ये पुराने बेहतरीन फिल्म मेकर ताहिर हुसैन खान के बेटे हैं और फिल्मों में इनका लगाव हमेशा से बहुत ज्यादा रहा है। इन्होंने लगान, गुलाम, राजा हिंदुस्तानी, पीके, थ्री इडियट्स, रंग दे बसंती और धूम थ्री जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में दे चुके हैं।